जानती हो मेरे वापस आने की वजह सिर्फ तुम। अगर तुम मुझे कन्विंस ना करती तो शायद मैं कभी भी वापस नहीं आता। अम्मी दाढ़ी मूछनी थी मेरी, तब से इस घर की जिम्मेदारियां उठा रहा हूँ मैं। कमा कमा के बड़ा किया इन लोगों को। मेरे अलावा किसी और को कैसे पसंद कर सकते हो? अपनी ज़बान से उसका नाम अब दोबारा ना ले। अगर तुम मेरे नहीं हुए ना तो मैं तुम्हें किसी और का भी होने नहीं दूंगी। उसका बैग उसे दे दीजिएगा। हाँ लेकिन पूछिएगा जरूर कि मुझे मॉल में अकेला छोड़ के वो कहाँ चली गई थी। पे किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती करने का कोई मकसद नहीं है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं घर छोड़ के चला जाऊं। ये हैसियत है मेरी और ये औकात है मेरे फैसले की उसकी नजरों में। बेटा तुम फिक्र ना करो, मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगी। अरे क्या समझाएंगी खाला आप उसे, और वो आपकी बात समझ ना ले कहीं। घर छोड़ के जाने की धमकी दे रहा है मुझे, अगर हिम्मत है तो घर छोड़ के जाए ना। ये समझ रहा है इसकी ब्लैकमेलिंग में आ जाऊंगा मैं। अम्मी दाढ़ी मूछनी थी मेरी, तब से इस घर की जिम्मेदारियां उठा रहा हूं मैं। कमा कमा के बड़ा किया इन लोगों को, आज 4 पैसे क्या कमा रहा है? नजरें दिखा रहा है मुझे, आंखें दिखा रहा है मुझे। वाह क्या बात है। तुम्हारी अमानत। ये कहां से मिला? वहीं जहां तुमने छुपा के रखा था। मैंने इमान एक रिक्वेस्ट है तुमसे, घर में प्लीज किसी को ये मत बताना कि तुम्हारी कोई ज्वेलरी मिल गई है। जो थोड़ा बहुत भरम बाकी है ना तुम्हारा, उसे बचा रहने दे। ये लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, और बातों से भी भला कुछ हुआ है कभी? मुझे यकीन है तानियाल ऐसे नहीं मानेगा, इसे तो मनाना पड़ेगा। ये तो बहुत ज्यादा है, अगर सच में मर गई तो बस 4 नहीं नहीं 3 भी काफी ही है। ये बाकी की कहां फेंकूं? अब देखती हूँ तानियाल कैसे नहीं मानता। काम था मुझसे? नहीं काम तो कुछ नहीं था, बस पूछना चाह रही थी कि तुम्हारा क्या प्लान है। किस बात का प्लान? देखो अमर, तुम US गए थे अपनी फर्दर स्टडीज के लिए, वहां जाके तुमने एडमिशन नहीं लिया, तुम वापस आ गए हो, तो कुछ सोचा होगा ना तुमने अपने बारे में। या यूं ही अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे? बेटा, बीइंग अ सिंगल पेरेंट हमने बहुत डिफिकल्टीज देखी हैं, इमोशनली भी मेंटली भी। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में अब कोई डिसीजन लेना चाहिए। तुम पढ़ना नहीं चाहते तो कोई जॉब कर लो, नहीं तो हमारा ऑफिस ज्वाइन कर लो। कब तक इस तरह अपने दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करोगे? मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, और तभी तो मैं वापस आया। ठीक है, आराम से सोचो, तुम्हारे पास 1 वीक का टाइम है। लेकिन अगर तुमने कोई डिसीजन नहीं लिया तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे डैड की तरह तुम्हें तुम्हारे हाल पे नहीं छोड़ूंगी।
यहाँ पे रो रही हो? और क्या करूँ? आप भी मुझसे बात नहीं कर, घर में सब मुझसे खफा है, कोई मेरा यकीन ही नहीं करना चाहता। अच्छा ईमान, रोना तो बंद करो। जानती हूँ मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते इस वक्त। अच्छा यार, I'm sorry, मैं जज्बाती हो गया था, नहीं होना चाहिए था इतना रूठ मुझे। अफसोस इस बात का नहीं है कि आपने मुझे डांटा फखर, दुख इस बात का है कि आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है फखर। आपको अभी भी यकीन नहीं है मेरा, क्योंकि अभी भी आपको यही लगता है कि वो लॉकेट मैंने छुपाया। ईमान, मेरी बात समझने की कोशिश करो। इंसान उसी चीज पे यकीन करते हैं ना जो उसकी नजरों के सामने हो, जो उसने अपनी आंखों से देखी हो। आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता फकर, कभी-कभी नजर का धोखा भी होता है। इस घर में सब मेरे अपने, मुझे बताओ कि कौन इतनी गिरीवी हरकत कर सकते हैं जिससे हमारे दरमियान तल्खी पैदा हो। तो क्या मैं कर सकती हूँ? आप खुद बताएं, मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी जिससे मुझे आपकी नजरों में शर्मिंदा होना पड़े? मुझे क्या मिल रहा है मुझे ये सब करके? कोई तो है ना, कोई तो है जो हम दोनों के बीच बदगुमानी की दीवार उठाना चाहता है, मुझे आपकी नजरों में शर्मिंदा करने की साजिश कर रहा है। क्या हुआ तुम्हें? चुप क्यों हुए इतने? नहीं तो मैंने इतनी कॉल्स किए हैं, टेक्स्ट मैसेजेस किए हैं, एटलीस्ट एक कॉल बैक तो कर सकते थे ना? ओ, दरअसल मेरे एक दोस्त की अम्मी हॉस्पिटलाइज थी, उसके साथ बिजी थी। ओ, हाउ शी इज नाउ? मच बेटर। क्या हो गया तुम्हारे मूड को? कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे। मार रहे हो ना कुछ मुझसे? ऐसी बात नहीं है माँ। तो फिर क्या बात है? एक्चुअली मॉम चाहती है मैं बिजनेस में उनका साथ दूँ, कहती है कि मैं बस अपना वक्त ही जाया कर रहा हूँ। ठीक है तो कह रही है आंटी, तुम टाइम ही तो वेस्ट कर रहे हो, आई मीन अपने साथ साथ मेरा भी। मैं कुछ समझा नहीं, मेरे साथ तुम्हारा टाइम कैसे वेस्ट हो रहा? देखो अमर, अगर तुम लाइफ में अपने लिए कोई डिसीजन नहीं लोगे तो जहां तुम खड़े हो ना वहीं के वहीं रहोगे। तो सब में तुम्हारा क्या कनेक्शन है? ऑफ कोर्स कनेक्शन है। देखो अमर, तुम जानते हो ना कि मैं आज के जमाने की लड़की हूँ, राइट? और एंड व्हाटएवर आई फील, जो मेरे दिल में होता है मैं स्ट्रेट अप बता देती हूँ, राइट? तुम मेरे लिए फ्रेंड से बढ़ करो। इनफैक्ट मैंने तो हमारा फ्यूचर भी साथ प्लान किया हुआ है। देखो माँ, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। हाँ, मैं बहुत ज्यादा तुम पे डिपेंड करता हूँ, लेकिन इस सब के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम सोच रही हो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारी इस दोस्ती से आगे
मैंने तुम्हारे मुकाबले को और कुछ भी नहीं सोचा। अगर मैं तुमसे मोहब्बत करता तो आई स्वेयर मैं तुम्हें खुद बता देता। स्टॉप ड्रीमिंग। मुझे कहते हैं जी हीरा मानी, सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।